हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 1 अक्टूबर और हम लोग फाइनली करीब 7 महीने के डिफरेंस के बाद फाइनली कहीं निकल रहे हैं घूमने के लिए। आज हम लोग हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में पब्बर वैली। तो करीब 8 बजे हम लोग अपना ऑफिस वगैरह का काम ख़त्म करके शाम को 8 बजे निकले थे नोएडा से, और अभी टाइम हो रहा है 10:15 और हम लोग ये गुलशन ढाबे पर डिनर करने के लिए रुके हुए थे। अब यहाँ से चल रहे हैं आगे, पर अच्छी बात है कि हम अपना डिनर लेके आए थे, यहाँ तो सिर्फ चाय पी, मैंने नहीं पी। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रिकॉशन सारे रखने पड़ रहे हैं। एक्चुअली हमारा आज का जो होटल बुक है वो है कालका में। हम लोग करीब 2:30 बजे तक रात में पहुँचेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ से कल आगे निकलेंगे हिमाचल प्रदेश के लिए। हम लोग 5 लोग साथ में जा रहे हैं। मैं हूँ विश्वजीत, ये प्रशांत उर्फ पाशु, ज्योति उर्फ ज्योति, जीतू है वो जीतू, और ये है पूजा। उर्फ तो बता दो, उर्फ तो बस पूजा ही है, और क्या, इतना छोटा सा नाम है और कितना छोटा होगा। और ये है हमारा भाई कौस्तु। तो हमारे कौस्तु भाई को गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। लंबी जर्नी, 15-16 घंटे की जर्नी वो गाड़ी चला के वन गो में ही कंप्लीट कर देता है। और आगे काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर जाऊँगा जहाँ का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, और मैं अभी श्योर भी नहीं हूँ कि पता नहीं मैं वहाँ पहुँच भी पाऊँगा नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से कई चीज़ें जो हैं जो कि इंटरप्टेड हैं, पर उम्मीद पूरी है कि पहुँचेंगे और बहुत बढ़िया से 1-2 ट्रैक भी करके आएंगे वहाँ पर। जैसा कि आपको मैंने बताया कि 1 अक्टूबर आ चुका है तो अनलॉक 5 भी आ चुका है अभी, और जो रेस्ट्रिक्शंस थे हिमाचल उत्तराखंड के वो पहले ही हट चुके हैं, तो अभी कोई कोविड रिपोर्ट या कोई भी ई पास नहीं चाहिए। हालांकि मिनिमम डेज़ की बुकिंग की रिक्वायरमेंट है अभी भी, पर चल के देखते हैं कि कौन चेक करता है, कहां पर चेक करता है। मुझे लगता नहीं कि कोई चेक करेगा इस चीज़ का, वैसे भी हम लोग तो 6 दिन के लिए करीब जा रहे हैं तो उसका कोई टेंशन नहीं है। इस पूरी ट्रिप में मैं हमेशा की तरह, जैसे आपको हर ट्रिप में बताता रहता हूँ, मैं सारी चीज़ की डिटेल्स आपको देता रहूँगा कि कितने बजे निकल रहे हैं, कहाँ पर कितना पहुँचने में टाइम लग रहा है, और कितना खर्चा आ रहा है, क्या हमने बुक किया, टोटल कॉस्ट कितना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे पूरी ट्रिप में, और चलते हैं अभी 7 महीने बाद देखते हैं हिमाचल कैसा दिख रहा है। लेट्स गो। टाइम हो रहा है 12:20 और हम लोग करनाल से कुछ किलोमीटर्स आगे आए हुए हैं। ये ढाबा है रॉयल हट ढाबा, कुछ खाने पीने के लिए नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर रोशनी वगैरह है तो सेफ है थोड़ा, इसलिए यहाँ पर ऐसे ही रुके हुए हैं। वॉशरूम वगैरह है यहाँ पर। अब यहाँ से मुश्किल से 1.5 या 2 घंटे के आसपास कालका रह रहा है, वहाँ हम लोग होटल पहुँच जाएंगे। 12:20 हो चुका है तो शायद 2:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पर। तीन रूम है हाँ, हमें को चलो मैं रूम में छोड़ दूँ। अच्छा ये बता दीजिए कि सुबह ब्रेकफास्ट कितने बजे मिल जाएगा? 7:30 बजे मिलेगा आपको, पराठे मिल जाएंगे। 7:30 पे मिल जाएगा पक्का ना? गुड नाइट भाई कौस्तु, 6 बजे कॉल करूँगा। थैंक्स भाई, पानी वानी भिजवा दो। 9 ठीक सर, ये हो सही में कहा है, क्या है ये? सैनिटाइजर। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए अपने कालका के होटल। टाइम हो रहा है 2:40 पे हम लोग पहुंच गए हैं। 8 बजे निकले थे हम लोग नोएडा से, तो टोटल करीब 6:30 घंटे के आसपास लगा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम day 2 ऑफ आवर ट्रिप। आज दिन है 2 अक्टूबर है और सुबह 8:30 बजे हुआ है। 8:30 बजे हम लोग यहाँ से होटल से निकल रहे हैं। नाश्ता वगैरह सब होटल में हो गया, हालाँकि इस टाइम होटल में जो सर्विसेज वगैरह हैं वो उतनी अच्छी नहीं है, पर इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अभी फ़िलहाल। साफ़ सफ़ाई ठीक ठाक है, पर वही है कि खाना नहीं है तो वो खाना लाने में उसको टाइम लगेगा कहीं और से, इस तरह से है थोड़ा, पर ठीक है चलेगा। इसी तरह तो धीरे धीरे करके लोग आएंगे तब होटल वालों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सर्विसेज सारी शुरू होंगी, सही से सब कुछ शुरू हो जाएगा। किसी किसी को हमें से थोड़ा बहुत उल्टी वॉमिटिंग टाइप से आ रहा है तो हम लोगों ने गोली वगैरह खा ली है, क्योंकि असली रास्ते तो अब शुरू होने वाले हैं। अभी तक तो कोई भी इंक्लिनेशन नहीं था, अब आएंगे वो हेयर पिन बैंड सारे सीधा। अब हरियाणा का बॉर्डर तुरंत पार करके हम लोग एंट्री कर जाएंगे हिमाचल में। चलते हैं आगे, ई तो साला होना ही था। फाइनली हम लोग अब यहाँ से निकल लिए हैं। होटल की कंडीशन ठीक थी, मतलब थोड़ा तो रिस्क है ही, थोड़ा सा डर है ही, वो डर इतनी जल्दी जाने भी नहीं वाला, पर अगर घूमना है तो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेके चलना पड़ेगा।
पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है, थोड़ा सा स्लो करना है। वापस पहुँचेंगे तो ये वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वो पहुँचने के 14 दिन बाद ही करूँगा। चला चला वीडियो अपलोड कर दिया फिर गालियाँ पड़ रही कि और घूमो और घूमो, तो 14 दिन बाद ही अपलोड करेंगे। आज 2 तारीख है, 16 तारीख को अपलोड किया जाएगा ये वाला वीडियो। तो इसके साथ ही हम एंट्री कर गए हिमाचल प्रदेश में। ₹40 एंट्री हम लोग लगाए हिमाचल बॉर्डर में घुसते ही। वही रास्ते वही पहाड़ हैं जिनको लास्ट 7 मंथ्स में हर दिन मिस किया है। टाइम हो रहा है 9:35 और हम लोग अभी कसौली और सोलन पार करके थोड़ा आगे, सोलन से थोड़ा आगे आ गए हैं और चैल यहाँ से 1 घंटे 41 मिनट दिखा रहा है, करीब 50 किलोमीटर। उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे कुफरी और थियोग होते हुए कब्बर वैली। जब से ये वर्क फ्रॉम होम वाला नया नॉर्मल जिंदगी में आया है ना, तब से ही एक और चीज़ आई है, अब हमें किसी भी टाइम काम करना पड़ सकता है, फिर चाहे हमने लीव ही क्यों ना ले रखी हो। हम लोग अब चैल पहुंच चुके हैं, तो चैल के पास ही हम एक जगह रुके तो किसी ने ऑफिस की कॉल अटेंड की, तो किसी ने घर बात की, थोड़ा रेस्ट किया, और पास में ही एक छोटी सी ट्रेल थी उस पर जाके हमने कुछ फोटोज क्लिक की और आगे बढ़ गए। आगे हम शिमला कुफरी फागू और थियोग पार करते हुए मुड़ गए पब्बर वैली के मोड़ पे। यहाँ पर आप इन रोड्स का ध्यान जरूर दीजिए क्योंकि अब इन रोड्स की कंडीशन बहुत ही अच्छी हो गई है, बट कुछ साल पहले ही पब्बर वैली की रोड्स जो थी वो काफी खराब थी। यहाँ पर ऐसे कई लोकेशंस आएंगे जहाँ आप रुक के फोटो क्लिक करना जरूर चाहोगे। अब हम लोग अपने राइट साइड में पब्बर नदी का हाथ पकड़े हुए पहुंच गए अपने आज के डेस्टिनेशन यानी रोहरू में। रोहरू जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, अपने एप्पल ऑर्चर्ड्स और ट्राउट फिशिंग के लिए काफ़ी फेमस है। तो हम लोग फाइनली होटल के अंदर आ गए हैं और होटल सच में बहुत औसम है। HPTDC का सरकारी होटल है, HPTDC.in से हम लोगों ने बुक किया। होटल का नाम है द चंचल होटल, रोहरू के एंट्री पे ही है। और अगर आप कभी आते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, अगर आप कभी HPTDC से मेरा वीडियो देख के या कैसे भी HPTDC से अगर आप ये वाला होटल बुक कराते हो तो प्लीज़ गूगल मैप के भरोसे मत रहना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रॉपर एक कोऑर्डिनेट दूंगा जिसको आप गूगल मैप पर डायरेक्ट इनपुट करके एंटर करोगे तो आप इस लोकेशन पर पहुंच जाओगे। क्योंकि यहां पर द चंचल नाम से 2 होटल हैं, एक ये सरकारी वाला है और एक प्राइवेट होटल है। तो प्राइवेट होटल जो है उसमें आपको नहीं जाना है, आपको सरकारी वाले माना है। इस सरकारी वाले माने के लिए आपको अंदर शहर में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि शहर बहुत क्राउडेड है, हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जैसा मनाली का मॉल रोड है वैसा ही यहाँ का मॉल रोड है। होटल क्योंकि सरकारी है तो सरकारी ऐसा होना ही था। और दूसरा, सरकारी होटल जितने बड़े रूम्स यहाँ पर हैं, जितने बड़े रूम्स यहाँ पर हैं आप शायद रोड में कहीं नहीं पाओगे। बड़ा रूम है, फिर वहाँ पर एक बालकनी है, हीटर है, वॉशरूम, सब कुछ है। बहुत ही बढ़िया रूम है, एकदम रिलैक्सिंग। अब जाकर रिलैक्सिंग लग रहा है, पूरे दिन से चले हुए हम लोग। फिर करेंगे हम लोग डिनर, उसके बाद फिर अगर कुछ स्पेशल रहा तो आपसे बात करेंगे, नहीं तो हम सीधा मिलेंगे कल
और कल का जो ट्रिप है वो रहेगा चंचल पास। वेलकम टू डे 3 ऑफ आर ट्रिप। और आज 3 अक्टूबर है और टाइम हो रहा है सुबह का 6:15 पर हम लोग निकल रहे हैं अभी चंचल पास के लिए। चंचल पास और उसके आगे सारू ताल का जो ट्रैक है वो करेंगे। करीब 2-2.5 घंटे के आसपास लगता है लेक तक पहुंचने में वहां से, और वापसी का भी इतना ही टाइम लगेगा। थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि 6:15 बज चुका है, और अगर ज़्यादा टाइम हम लोग को ट्रैक में लग गया तो मुश्किल ये है कि अंधेरे होने से पहले वापस आ पाएँ। तो वहाँ जाके डिसाइड करेंगे क्या प्लान है। और दूसरा फिर गाड़ी भी थोड़ी दिक्कत कर रही है, यहाँ पर हम लोगों को भी नाश्ता वगैरह कुछ मिला नहीं है इतने बजे सुबह, काफ़ी जल्दी निकलना पड़ रहा है क्योंकि। तो रास्ते में कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह की जगह होगी तब करेंगे वहाँ ब्रेकफास्ट। या चले चलो। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं चंचल पास की तरफ। अगर आप भी यहाँ आने की सोच रहे हैं तो ज़रा इन रास्तों पर भी ध्यान ज़रूर दीजिएगा। मेरा मोटिव यहाँ पर यह है कि रोड कंडीशंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ। रोरू से आगे करीब 1-1.5 घंटे के रास्ते में बीच बीच में ऐसे ख़राब पैचेस आते रहते हैं, बट ओवरऑल रास्ता ठीक है। और पब्बर नदी का साथ तो बना ही हुआ है। बट रोहरू से 1-1.5 घंटे के बाद टीकरी नाम की जगह से एक कट आता है जो हमें चंचल पास की तरफ लेके जाता है। यहाँ से रास्ता और ख़राब होना शुरू हो जाता है, बट सराउंडिंग्स उतनी ही ब्यूटीफुल होती चली जाती हैं। इसके बाद हम जंगल और पहाड़ के और इंटीरियर्स में चले जाते हैं और अच्छी रोड्स को पूरी तरह अलविदा कह देते हैं। फिर हमें वो चीज़ दिखती है जिसके लिए रोहरू बहुत फेमस है और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत भी है क्योंकि हमने अभी तक कुछ नहीं खाया था, एप्पल। तो हम लोग यहाँ रुक गए और वहाँ लोकल से परमिशन लेके हमने अपने लिए रेड एंड ग्रीन दोनों एप्पल्स तोड़ के रख लिए। भाई मज़ा आ गया, पूरे इतने सारे सेब। रोहरू वैसे भी एप्पल के लिए बहुत फेमस है। ये जो आप मेरे साइड में देख रहे हो ये एप्पल के पेड़ हैं जिनको ऐसे ही वाइट नेट से ढका हुआ होता है। ये बहुत कॉमन नज़ारा है इस सीजन में इन पहाड़ों का। तो हम लोग को फाइनली एक जगह मिल गई जहाँ हम लोगों ने चाय और मैगी वगैरह ऑर्डर कर दिए। यहाँ से चंचल करीब 1 घंटे की दूरी पर है अभी, और इन किलोमीटर्स जो है वो केवल 18-19 किलोमीटर 17 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। बहुत ही सुंदर जगह है। अब शुरू होते हैं घने जंगल, बेहद ख़राब रोड्स और हमारी गाड़ी की दिक्कत। वही गर्म काफी हो गई है ना, बदबू भी आने लग गई थी गैस किट की। पक्की बात है, दस बजा हुआ है और हम लोग अभी ये जंगल के बीच में तो कहीं पर रुके हुए हैं, पर अभी यहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर ही दूर होगा चंचल पास। तो अभी हम लोग का शायद सारू ताल जो है, शायद क्या मतलब कंफर्म ही है कि सारू ताल हम लोग नहीं जाएंगे, जिससे कि हम लोग चंचल पास में आसपास थोड़ा बहुत वहाँ पर रुक के फोटोग्राफी वगैरह ड्रोन शॉट्स वगैरह ले पाएँ, क्योंकि सारू ताल जाएंगे तो ये रास्ता फिर हम लोगों को रात में कवर करना पड़ेगा।
लेकिन कौस्तुभ किसी तरह गाड़ी को अनलोड करके ऊपर ले जाने की कोशिश करता रहा और हम लोग भी उन फ्रेश एप्पल्स का मजा लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कौस्तुभ, वी मेड इट टिल ऑलमोस्ट चंचल पास, बट पास के 2 किलोमीटर पहले हमने कार पार्क कर दी और ट्रैक करना शुरू किया। चंचल पास जो कि 3750 मीटर की हाइट पर है और चंचल पीक जो कि 4520 मीटर की हाइट पर है, वो शिमला डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है। चंचल पास चिरगांव जहां से हम लोग आ रहे हैं उसको कनेक्ट करता है डोडरा और क्वार विलेज से, जो कि पास के दूसरी तरफ आते हैं और यहां गवर्नमेंट की बस भी जाती है। ये रास्ता सीजनल है और विंटर सीजन में नवंबर से लगभग अप्रैल तक स्नो की वजह से पूरी तरह ब्लॉक रहता है। लेकिन यहाँ पहुँचते ही कौस्तुभ को कॉन्फिडेंस आया कि वो कार यहाँ तक लेके आ सकता है और वो तुरंत वापस चला गया। थैंक्स टू हिम कि कार यहाँ तक आ भी गई। क्या हो गया? क्या लेके आ रहे? की जो धूप होती है ना, वो हमारे शहरों की तरह पोल्यूशन की लेयर से फिल्टर होकर नहीं आ रही होती है, बल्कि काफ़ी तेज़ ओरिजिनल धूप होती है जो स्किन को जला भी देती है, लेकिन ठंडी हवा के साथ गर्म धूप का सुकून अलग ही लेवल होता है। जो हरे भरे मैदान हैं उन्हें इंग्लिश में मेडोज बोलते हैं, इन्हें उत्तराखंड में बुग्याल और यहाँ हिमाचल में थाच बोलते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में भेड़ बकरी गाय वगैरह को लोग चराने के लिए लेके आते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग थोड़ा और ऊपर चले गए और वहाँ थोड़ा रेस्ट किया नेचर के बीचों बीच। होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, इसके आगे की कहानी जिसमें मैं एक जबरदस्त ट्रैक भी करूंगा वो मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Mm-hmm.